हेलो एवरीवन, टाइम्स कैरियर में आप सबों का स्वागत है। आज जो है हम लोग गति समीकरण का सत्यापन वेरिफिकेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन को काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी कहा जाता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। गति समीकरण आप सुने होंगे कि तीन फॉर्मूला है या देखे भी होंगे कि भी बराबर यू प्लस क्या होता है एटी, दूसरा फॉर्मूला होता है एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, तीसरा फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। इन तीनों इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन या हिंदी में गति समीकरण के नाम से जाना जाता है। दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा है, किसी भी कंडीशन में गति कर रहा है, इन्हीं तीन समीकरण के मदद से उसका हम लोग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, टाइम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तीनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है काइनेमेटिक्स चैप्टर का, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मैकेनिक्स ब्रांच में या फिर दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट गति कर रहा है या किसी भी ब्रांच में अगर गति से रिलेटेड कोई कंसेप्ट आता है तो ये इक्वेशन, तीनों इक्वेशन काफी यूज होने वाला है। वैसे आप इन तीनों इक्वेशन को क्लास नाइन्थ में भी देखे होंगे, लेकिन यहां पर हम लोग प्रूव करेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इसका जो वेरिफिकेशन है, सत्यापन है, वो तीन मेथड से किया जाता है। पहला मेथड का नाम है जनरल मेथड, दूसरा मेथड का नाम है ग्राफिक मेथड और तीसरा मेथड का नाम है कैलकुलस मेथड। कौन सा मेथड? कैलकुलस मेथड, ठीक है। तो यहां पर जो है हम लोग का क्लास 11, 12 में इसको जो वेरिफिकेशन करेंगे वो कैलकुलस मेथड से करेंगे, ठीक है, कलन शास्त्र मेथड से या अवकलन शास्त्र मेथड से करेंगे इन तीनों का वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले आप हेडलाइन लगाओ और आज का जो हेडलाइन है वो है आपका गति समीकरण का सत्यापन। इंग्लिश में कहा जाता है वेरिफिकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन। काइनेमेटिक्स क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, ब्रांच का नाम है। तो आप यहां पर देखिए कि सबसे पहले हमने एक सीधा लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, और ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए कोई जगह है, एक जगह यहां, एक जगह यहां। यहां का जो वेग है वो प्रारंभिक वेग यू है, इनिशियल वेलोसिटी, और यहां का जो वेग है वो फाइनल वेलोसिटी भी है। अब मान लीजिए कि यहां का जो टाइम है, मान लीजिए टाइम क्या, मान लीजिए जीरो, क्योंकि आपने यहां से चलना स्टार्ट किया। तो जब चलना स्टार्ट किया तो टाइम का मान क्या होगा? जीरो। और यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा वो टी टाइम लगा। देखो टी भी टाइम है, टी भी टाइम है और टी भी टाइम है। मान लीजिए यहां से यहां तक आने में टाइम टी लगा, ठीक है, तो टाइम का मान क्या हो गया? टी हो गया। कुछ भी हो सकता है टी का मान। ये टी मान लीजिए कि 10 सेकंड 20 सेकंड, एक तरह का संख्या को बतलाता है। अब है कि यहां का जो डिस्टेंस होगा वो जीरो होगा, और अगर आपने एस दूरी तय किया है यहां से यहां तक आने में, यहां का डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। ध्यान से बात को सुनो, समझो, देखो, ठीक है, तब उतारिएगा। ये आपका इनिशियल पोजीशन है जहां सब चलना प्रारंभ करते हैं, प्रारंभिक बिंदु है, और ये आपका फाइनल पोजीशन है। तो यहां का जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी यू होगा, यहां का जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो भी होगा। यहां जो आपका टाइम है वो जीरो है, यहां का जो आपका टाइम है वो टी है, यहां का डिस्टेंस जीरो होगा। भाई वहां से तो हम चलना ही स्टार्ट किए हैं, तो जीरो से चलना स्टार्ट किए हैं। मान लीजिए हम खड़े, हम चलना स्टार्ट किए, तो मेरा जो इनिशियल डिस्टेंस है वो क्या है? जीरो। आपने एस दूरी तय किया तो आपका डिस्टेंस क्या हो गया? एस हो गया। और जिस एक्सीलरेशन के साथ आप चलते हैं उसे हम लोग ए मान लेते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, वैसे वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पर हमने तीर का निशान दिखाया। सबसे पहले हम लोग यहां पर कहेंगे कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। तो भाई हम लोग क्या जानते हैं? So, हम लोग जानते हैं कि एक्सीलरेशन ए बराबर होता है डीवी बाई क्या होता है? डीटी होता है। सब कोई हम लोग जानते हैं। अब है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है? वन। तो वन गुना डीवी तो डीवी, और ए गुना डीटी तो ए इंटू क्या हो जाएगा? डीटी। वन को लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ हम लोग इंटेग्रेशन करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इंटेग्रेट इट, इंटेग्रेट इट इंटेग्रेशन करने पर, ठीक है, डी भी बराबर ए इंटू डी टी। आपको मालूम है कि जिस टर्म में डी लग जाए उसमें डिफरेंशिएट है, उसमें परिवर्तन होता है, और बाकी टर्म को जो है कांस्टेंट माना जाता है। तो आप गौर से देखिए यहां पर कि डी किस में लगा हुआ है? भी में लगा हुआ है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंजिंग है, तो नीचे जो है वो लोअर लिमिट होगा। तो यहां पर लोअर लिमिट, वेलोसिटी का लोअर लिमिट क्या है? यू। और वेलोसिटी का अपर लिमिट क्या है? भी। अब यहां पर दो टर्म है, एक ए है और एक टी है, ए फॉर एक्सीलरेशन, टी फॉर टाइम। तो डी किस में लगा हुआ है? तो आप कहेंगे कि सर डी जो है टी में लगा हुआ है, तो टाइम में चेंजिंग है। टाइम का लोअर लिमिट क्या है? जीरो। और अपर लिमिट क्या है? टी।
यानी इनिशियल वैल्यू आपका लोअर लिमिट बतलाता है और आपका फाइनल पोजिशन जो है वो अपर लिमिट को बतलाता है। अब आपको मालूम है कि हम लोग जानते हैं कि dx बराबर क्या होता है, x होता है। तो जब dx बराबर x होता है तो dv बराबर क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। अपर लिमिट v है और लोअर लिमिट क्या है, u, बराबर a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और dt बराबर t हो जाएगा। अपर लिमिट t है और लोअर लिमिट क्या है, जीरो। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि एक बार v की जगह अपर लिमिट बैठेगा और एक बार लोअर लिमिट बैठेगा, ठीक है। तो v और माइनस क्या हो जाएगा, u बराबर a इंटू टी की जगह अपर लिमिट हो जाएगा टी माइनस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। भी की जगह एक बार अपर लिमिट बैठा और एक बार लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टाइम की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पर हमारा हो जाएगा भी माइनस यू बराबर ए और टी में जीरो घटेगा तो टी ही बचेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं भी बराबर यू इधर आया तो प्लस यू हो जाएगा और ए इंटू टी क्या हो जाएगा, ए टी। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन हमारा प्रूव हो रहा है, ठीक है। समीकरण से हम लोग वन मान लिए, फर्स्ट इक्वेशन आपके सामने अब देख सकते हैं प्रूव्ड हो गया, ठीक है। तो ये था हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस at। अब देख सकते हैं कि v बराबर u प्लस at, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा प्रूव्ड हो गया। तो सबसे पहले आप जो है टॉपिक लगा के इस डायग्राम को बनाइए, v नॉट डैट लिखकर आप यहां से यहां तक आइए। फर्स्ट इक्वेशन v बराबर u प्लस at, क्योंकि u माइनस था इधर आगे क्या हो गया, प्लस, और at का आगे भी कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। तो v बराबर u प्लस at। अच्छा, भी क्या है, भी आपका फाइनल वेलोसिटी है, अंतिम वेग है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। ए क्या है, एक्सेलरेशन, और टी क्या है, टाइम। तो आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए, अगर ये आप उतार लिए हैं भी बराबर यू प्लस एटी, तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहां पर कहेंगे अगेन अगेन। और आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी भी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि सर डीएस बाई क्या होता है, डीटी। अब यहां पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ भी तो क्या है, वन, तो वन गुना डीएस, तो डीएस बराबर और यहां भी गुना डीटी, तो क्या हो जाएगा, भी डीटी हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि डीएस बराबर भी का मान यहां से उठाइए, समीकरण एक से भी बराबर क्या है, यू प्लस एटी इंटू क्या है, dt, ठीक है। यहां पर v का मान रख दिए, यहां पर आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन, समीकरण एक का प्रयोग किया गया है, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन वन समीकरण एक का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन लागू करेंगे, तो यहां पर लिखेंगे इंटेग्रेट इट, इंटेग्रेट करने पर तो इधर ds बराबर इधर क्या हो जाएगा, u प्लस at और इंटू क्या हो जाएगा, dt। अब गौर से देखिए यहां पर कि जो बराबर का इधर है, ठीक है, वो किसमें d लगा हुआ है, s में। s आपका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। s क्या है आपका, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का जो लोअर लिमिट है वो क्या है, जीरो है, ठीक है। और डिस्टेंस का जो अपर लिमिट है वो क्या है, s है, क्या है वो, s। उसी प्रकार यहां t में d लगा हुआ है, टाइम, ठीक है। तो टाइम का लोअर लिमिट क्या है, जीरो, और टाइम का अपर लिमिट क्या है, टी है, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर है। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि डीएस बराबर क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा, अपर लिमिट एस है, लोअर लिमिट जीरो है। इसको अलग अलग करो, यू इंटू डी टी और प्लस ए टी इंटू डी टी, सबका लिमिट अलग अलग करो, जीरो टू अपर लिमिट, जीरो टू अपर लिमिट टी, ठीक है। चूंकि यहां प्लस है तो अलग अलग होगा, आपको पढ़ाया हुआ है कैलकुलस में, हमने डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में आपको बताया हुआ है। अब यहां पर हम लोग कहेंगे कि s के जगह एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट बैठेगा, तो s का अपर लिमिट क्या है, s है, तो s माइनस और लोअर लिमिट क्या है, जीरो। तो s की जगह एक बार s बैठा, एक बार जीरो बैठा। उसी प्रकार u बाहर हो जाएगा और dt का क्या होगा, t, t का अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट क्या है, जीरो, प्लस a बाहर हो जाएगा। और आप बताओ कि t पर पावर कुछ भी तो क्या है, वन। और आपको हमने बताया है, ठीक है, बहुत ही फेमस फॉर्मूला आपको मैं बता देना चाहता हूं कि टी पर पावर एन इंटू डी टी बराबर टी पर पावर एन प्लस, टी पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का काफी फेमस फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर ये तो कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया, टी पर पावर वन बचा, यानी एन का मान कितना है, टी पर पावर वन है, तो वन प्लस वन यानी क्या हो जाएगा, यहां पर टी स्क्वायर बटे टू हो जाएगा। अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट जीरो है, ध्यान दो, यही बात समझने वाली बात है।
ये कांस्टेंट है वो बाहर हो गया क्योंकि डी किस में लगा हुआ, टी में, और एक टी रहा तो टी पर पावर क्या है, वन। आपको बताया हुआ है कि टी पर पावर एन अगर होगा तो टी पर पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस क्या होगा, वन होगा, ठीक है। तो एन का मान जब वन है तो वन प्लस वन टी स्क्वायर बटे नीचे टू हो जाएगा। अब यहां पर मुझे बताओ एस माइनस जीरो बराबर क्या होगा, एस यहां पर यू, अब टी के जगह अपर लिमिट बैठेगा टी माइनस जीरो, ठीक है, प्लस ए, और ये टू को बाहर कर दो तो घर में कौन रहा, टी स्क्वायर ओनली रहा, घर में यहां पर क्या रहा, टी स्क्वायर, अपर लिमिट टी है लोअर लिमिट जीरो है। यहां पर हम लोग कहेंगे एस बराबर यू और टी में जीरो घटेगा तो टी बचेगा, प्लस इस टू को अलग कर दो तो वन बाय टू इंटू ए, वन बाय टू, देखो टू इस एक आगे कुछ भी तो क्या है वन, तो वन बाय टू इंटू ए या ए इंटू वन तो ए ही होगा, ठीक है। और यहां पर हम लोग कहेंगे कि एक बार टी के जगह अपर लिमिट बैठेगा तो टी स्क्वायर के जगह टी स्क्वायर बैठेगा, और एक बार जीरो स्क्वायर बैठेगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग कहेंगे एस बराबर यू इंटू टी, यू टी प्लस हाफ ए, और टी स्क्वायर में जीरो स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा टी स्क्वायर। इस तरह से सेकेंड इक्वेशन भी प्रूव हो गया। आप देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन आपके सामने है कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये बार बार यूज होगा, आगे जितने भी टॉपिक्स आएगा इस टॉपिक के बाद, जो भी आगे टॉपिक्स आएंगे गति समीकरण का सत्यापन के बाद जो भी टॉपिक आएगा उसमें ये तीनों इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ मोशन गति समीकरण काफी यूज होने वाला है। और सबसे बड़ी बात है कि यूज हो या ना हो, ठीक है, हम लोग को सीखना है। जैसे आपके सामने यहां पर फर्स्ट इक्वेशन प्रूव्ड है, यहां पर आपके सामने सेकेंड इक्वेशन हमने प्रूव किया स्टेप बाय स्टेप, अब हम लोग थर्ड इक्वेशन की ओर जाएंगे। तो आप सबसे पहले फर्स्ट अगर हो गया है तो सेकेंड अगेन से लेके यहां तक कर लीजिए, ये थर्ड इक्वेशन हो गया। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और यहां लिखेंगे नाउ, ठीक है, और फिर से एक बार लिखेंगे ए बराबर तो क्या होता है डीवी बाई डीटी होता है, ठीक है। अच्छा, ए बराबर डीवी बाई डीटी को हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दो, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि डीएस बाई डीटी लिख सकते हैं, सॉरी स्टूडेंट हुआ है, ए बराबर पहले इसको देख लो, ए बराबर क्या है डीवी बाई डीटी, क्या डीवी बाई डीटी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डीवी बाई डीएस और इंटू डीएस बाई डीटी, क्या ऐसा लिख सकते हैं। देखो बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, समझना है। डीवी बाई डीटी को क्या हम लोग डीवी बाई डीएस इंटू डीएस बाई डीटी लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर क्यों लिखेंगे, देखो क्यों लिखेंगे उसके पीछे तो रीजन है ही, कंसेप्ट है ही, ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए क्या हम लोग इस लाइन को ऐसा लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि डीएस डीएस कैंसिल हो जाएगा तो डीवी बाई क्या बचेगा डीटी, यहां भी डीवी बाई डीटी है ये, और ये बच जाएगा और यहीं पर है डीएस डीएस कट जाएगा। अब यहां पर ध्यान दो, देखो और समझो, तो ए बराबर डीवी बाई क्या है डीएस, और आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन की दर को वेलोसिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है वेलोसिटी कहा जाता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि वी बराबर क्या होता है डीएस बाई डीटी, आप यहां भी देख सकते हैं कि वी बराबर क्या दिया हुआ है डीएस बाई डीटी, वी बराबर डीएस बाई डीटी। अब यहां पर हम लोग कहेंगे, ध्यान से देखो सब कोई, कि ए इंटू डीएस तो ए इंटू क्या हो जाएगा डीएस, और वी इंटू डीवी तो वी इंटू डीवी हो जाएगा। अब दोनों तरफ हम इंटेग्रेशन लागू करेंगे, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे इंटेग्रेट इट, इंटेग्रेशन करने पर तो ए इंटू डीएस बराबर वी इंटू डीवी, ठीक है, दोनों तरफ इंटेग्रेशन लागू कर दिया। बराबर के इधर जो है किस पे डी लगा हुआ है, तो एस में, एस क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ए एक्सेलरेशन है, तो ए कांस्टेंट हो गया और एस आपका वेरिएबल हो गया। तो एस का लोअर मान क्या है तो जीरो, और अपर मान क्या है इसका तो एस है, इसी यहां पर किस में लगा हुआ वी में, तो वी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है यू, और वी का जो अपर लिमिट फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है वी है, ए बाहर हो जाएगा। तो यहां पर डीएस का इंटीग्रेशन एस हो जाएगा, अपर लिमिट एस है और लोअर लिमिट क्या है जीरो, और यहां पर वी पर पावर कुछ भी नहीं तो क्या है वन है,
यहां पर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बटे टू, अपर लिमिट वी है और लोअर लिमिट क्या है, यू है। तो यहां पर हम लोग कहेंगे, यहीं पर मैं लिख देता हूं, ठीक है, यहीं पर मैं लिख देता हूं कि ए और इन टू एस की जगह अपर लिमिट माइनस क्या होगा, लोअर लिमिट, यानी एस माइनस जीरो बराबर। अब है कि वी के जगह एक बार अपर लिमिट बैठेगा, एक बार लोअर लिमिट, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बटे नीचे टू है, ठीक है। तो ए और एस माइनस जीरो बराबर क्या होगा, एस बराबर, और यहां पर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और बटे टू। अब है कि टू इधर आएगा, तो टू गुना ए एस क्या हो जाएगा, टू ए एस और वी स्क्वायर माइनस क्या बचेगा, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इधर आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस और बराबर क्या बचेगा, वी स्क्वायर, यह माइनस था इधर आकर प्लस हो गया, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इस तरह से हमारा थर्ड इक्वेशन भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इन तीनों इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ मोशन, गति समीकरण के नाम से जाना जाता है, या फिर काइनेमेटिक्स इक्वेशन भी कहा जाता है। तो इसको आप अच्छी तरह से बारीकी से आप एक बार उतार लीजिए, ठीक है, और इसको समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को एक दो बार देखिए, आपको आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।